आईआरएस परीक्षा रे 125 रैंक हासिल कले बलांगी जिला कोंटाबांजी सहर रो नवल कुमार जैन। कोंटाबांजी सहर रो बासिंदा डोलुराम जैन को पो नवल कुमार जैन सर्वभारतीय स्तर रे आईआरएस परीक्षा रे 125 रैंक हासिल करिसंती। एहा जानिबा परे अंचल रे जनसाधारण बहुत खुशी अनुभव करिसंती। नवल को तांको बंधु ओ संपर्कय माने अभिनंदन जणाइसंती। 8 वर्ष परे नवल को तांको दुई भणी रक्षाबंधन अवसर रे सांगर खुशी बांटिबार सुयोग पाइछंती। गत थर नवल 350 रैंक हासिल करिबा परे आईआरटीएस रे सफलता पाइथिले। एतिकरे से संतुष्ट न होई पुणी आगको भल रैंक हासिल करिबा आशारे दृढ़तार सहित पाठ पढ़ी चालीथिले। आउ आज से आत्मविश्वास सफल होइथिबा से प्रकाश करिछंती। लोकंक सेवा करिबा तांकर प्रथम उद्देश्य रहिबो बोली आम चैनल माध्यम रे से जणाइछंती। तांको ही सफलता रे तांको बापा मां एवं परिवार वर्गों को सहयोग रहिथिबा सह कठिन परिश्रम जोगो यही सफलता हासिल करिथिबा प्रकाश करिछंती। स्टिल भी मेरा आईआरटीएस आया था, रैंक 350 था, तो मैं सर्विस अपग्रेड करने के लिए दोबारा एग्जाम दिया था। तो सोचा था कि अगर हो जाए सर्विस अपग्रेड भगवान की दया से अच्छा है, बट नहीं है। तो मैं पिछले सर्विस में भी खुश था, बट इस बार भगवान की कृपा से और दादी पापा पेरेंट्स की कृपा से और बहनों का भी साथ था, सबका साथ था, उसके वजह से इधर सब सर्विस अपग्रेड हो गया और इस बार आईआरएस इनकम टैक्स मिलेगा। तो मैं काफ़ी खुश हूँ और अभी इसी को मैं आगे ज्वाइन करूँगा और इसी में जो रहेगा करियर प्रोसेस इसी में आगे चलता रहेगा। प्रिपरेशन तो सेम ही रहा, बस ये कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि 10-10 मार्क में 100-100 रैंक निकल जाते हैं। तो बस ये है कि थोड़ा इस बार लक ज़्यादा फेवर कर गया और मेहनत भी पिछले बार से थोड़ा ज़्यादा थी, तो इस बार इसलिए फिर 200-225 रैंक और ज़्यादा बढ़ गया। इसका श्रेय जैसे मैंने पहले बताया था ये सबको ही मैं देना चाहूँगा कि मेरे दादी बाबा के आशीर्वाद, पापा मम्मी का आशीर्वाद, पूरे फैमिली का इसमें रोल है और मेरा हार्ड वर्क भी है जो अल्टीमेटली रिजल्ट लेके आया। ज़्यादा खुश है, जब रिजल्ट आने का आया था तो आया कि रिजल्ट आ गया है, तो हम लोग दोनों पढ़ रहे थे और भाई बोला कि हाँ मेरा क्रैक हो गया 125 रैंक, तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि हम लोग कितने खुश थे। हर रक्षाबंधन में भाई दूर रहता था, इस बार लगभग 8 साल बाद हम उसको राखी बांधे हैं, वरना कुरियर या किसी के हाथ भिजवाना। और फिर नेक्स्ट डे इतना बड़ा राखी गिफ्ट, तो वी आर वेरी हैप्पी और हम लोग एक्चुअली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, हमारे पास वर्ड्स ही नहीं है कि हम क्या बोलें आगे। वी आर सो हैप्पी, लग रहा है भैया एकदम से, मतलब आज तो मेरा दिल को खुश कर दिया मेरा लड़का। बोलते हैं एक लड़का जन्म करके भी बाप, भैया मैं तो आज बहुत खुश हूँ। हम माँ बाप का नाम को रोशन कर दिया, पूरा परिवार का उद्धार कर दिया। तो करते थे भैया, दुख तो खूब लगता था, हर त्यौहार में लड़का का याद आता था कि आज घर से दूर है बोल के, फिर आज इतना खुशी मिल गया जो सब भूल गई।